बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास टू की इंग्लिश को डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 24 है, यूनिट नंबर 5 है, टॉपिक इलेक्ट्रिक लाइट, सब टॉपिक है रीडिंग एंड वर्ड मीनिंग। आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक लाइट के बारे में। आज आपको बताऊंगी कि कई सालों पहले क्या था और अब हमारे पास क्या क्या है, ठीक है। कई सालों पहले हमारे पास जो थी वो इलेक्ट्रिक लाइट्स नहीं थी, हमारे पास बिजली नहीं थी, और हम वो जो हमारे से पहले के लोग थे वो क्या करते थे, वो जो ऑयल वाले लैंप्स थे वो उसकी रोशनी की हद से अपने सारे काम करते थे, जबकि अब हमारे पास सारी इलेक्ट्रिक लाइट्स हैं। अब नेक्स्ट देखें, इसकी रीडिंग करते हैं हम। मैनी ईयर्स अगो देयर वर नो इलेक्ट्रिक लैंप्स, वो कहते हैं कई साल पहले, बहुत साल पहले हमारे पास इलेक्ट्रिक लैंप्स नहीं थे, ठीक है। इलेक्ट्रिक लैंप्स होते हैं बर्की जो लैंप्स होते हैं, कुंग में बोलते हैं इसको लैंप्स को। When the sun went down, it became very, very dark. जब वो सन जो था वो डूब जाता था, सूरज जो था वो डूब हो जाता था, तो वो बहुत ज़्यादा अंधेरा छा जाता था हर तरफ। People were afraid to go out. जो लोग थे वो डरते थे बाहर जाने के लिए, because it was so dark, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता था। Oil lamps gave a little light. जो oil lamps होते थे वो बहुत ज़्यादा उसकी छोटी लाइट होती थी, बहुत कम लाइट होती थी उसकी। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू रीड और डू एनी वर्क विद एन ऑयल लैम्प, वो उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था कोई अपना काम करना, अपने जो सिलेबस अपना काम जो है उसको पढ़ना, अपनी स्टडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था ऑयल लैम्प की मदद से। नाउ इट इज़ वेरी डिफरेंट, लेकिन अब बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। एट नाइट वैन इट गेट स्टार, जब रात को बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, वी जस्ट पुट ऑन द लाइट्स, हम क्या करते हैं कि लाइट्स अपनी ऑन करते हैं और हम अपनी स्टडी करते हैं। वैन इट इज़ लाइक डे टाइम, ऐसे ही लगता है जैसे कि डे टाइम होता है, क्योंकि हमारी सारी वो लाइट्स ऑन होती हैं। वी कैन रीड बुक्स और स्टडी आवर लेसन, हम क्या कर सकते हैं अपनी बुक्स को रीड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, अपने सबक पढ़ सकते हैं। वी कैन यूज़ द कंप्यूटर और वॉच टेलीविजन, और हम बिजली की मदद से कंप्यूटर भी देख सकते हैं और टेलीविजन भी देख सकते हैं। द स्ट्रीट लाइट्स आर स्विच्ड ऑन, जो गलियों की जो लाइट्स होती हैं रोशनियाँ वो जला दी जाती हैं। सो इट इज़ नॉट डार्क आउटसाइड, इसलिए बाहर जो है वो अंधेरा नहीं होता। वी आर नॉट अफ्रेड टू गो आउटसाइड, और हम बाहर जाने से नहीं डरते। इलेक्ट्रिक लैंप्स गिव अस लाइट टू सी इन द डार्क, जो इलेक्ट्रिक लैंप्स हैं वो हमें डार्क में अंधेरे में देखने में रोशनी देते हैं, हमें देखने में मदद देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आप लोगों को आज का चैप्टर था, इसकी थोड़ी ये रीडिंग थी। नेक्स्ट हम आप कल करेंगे इंशाल्लाह, आप इसके वर्ड्स भी देख लें जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं इसमें से। इलेक्ट्रिक लैम्प बर्की लैम्प इसको बोलते हैं, अफ्रेड खौफजदा या डरा हुआ, डिफिकल्ट मुश्किल, आउटसाइड बाहर, डिफरेंट मुख्तलिफ। तो स्टूडेंट ये आप लोगों के वर्ड मीनिंग है, आपको जो मैंने पैराग्राफ पढ़ाया आपको उसकी रीडिंग करनी है अच्छे तरीके से, और ये वर्ड मीनिंग को अपनी नोटबुक पे राइट डाउन करना है और इसको अच्छे तरीके से याद करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।